वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल फ्लायर्स में आपका फिर से स्वागत है। हम एक और वीडियो नया इंटरेस्टिंग सा लेकर आपके फिर आ गए। आज का टॉपिक है कि हम अपने गूगल अकाउंट से अपने मोबाइल को ट्रेस कैसे करें, आज ये सीखेंगे। और वीडियो में जुड़े रहिए और देखते रहिए टेक्निकल फ्लायर। सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र पर जाएंगे और अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे और सबसे पहले हमारे पास कुछ भी करने से पहले एक जीमेल अकाउंट का होना ज़रूरी है और जीमेल अकाउंट को हम अपना लॉगिन करेंगे और अपना ईमेल आईडी या यूज़र नेम डालेंगे। मैं अपना ईमेल आईडी डाल रहा हूँ और आप भी डालें। और पासवर्ड डालेंगे अब। और नेक्स्ट कर देंगे। और हमारा जीमेल अकाउंट ओपन हो गया। और राइट साइड की तरफ जाएंगे डैशबोर्ड पे हम और स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और मैनेज यूअर गूगल अकाउंट पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे। और अब ये डैशबोर्ड देख रहे हैं, हमारा गूगल अकाउंट सेटिंग आया। इसमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे, सबसे नीचे देखेंगे हम और सिक्योरिटी के अंदर जाएंगे हम। सिक्योरिटी में हम सबसे नीचे देखेंगे जो हमारे अकाउंट से लिंक है, वे डिवाइस दिखाएगा हमारे पास कौन सा डिवाइस है, लैपटॉप का, मोबाइल है या किसी अदर अकाउंट से लिंक तो नहीं है। और देखो मेरा जो कि लॉगिन है वीवो 1907 से लिंक है, तो मैं इस पर करूँगा नीचे। देखो ये हमारा डैशबोर्ड इस तरह गूगल फाइंड माय डिवाइस को ओपन हो गया और इसमें हम अपने मोबाइल को सर्च करेंगे जूम करके। देखो मेरा यह दिखाई दे रहा है आपको सभी लोगों को, और जूम करके अच्छी से तरह से देखेंगे। मैं अपनी लास्ट लोकेशन तक नहीं दिखाऊंगा आपको। और इसमें हमारे और भी कई चीज़ें मिलती है इसके अंदर। और हम अपने मोबाइल को इसमें रिंग भी कर सकते हैं, मिस हो जाता है या घर के अंदर इधर उधर रहता है तो हम अपना प्ले साउंड पे क्लिक करके रिंगिंग करेगा, जहाँ भी होगा साउंड करेगा ये। ये देखो हमारी वोडाफोन इन कैरियर दिखा रहा है और बैटरी भी शो कर रहा है। अब प्ले साउंड पे करेंगे, देखो डिवाइस रिंगिंग कर रहा है। जितनी बार करेंगे उतनी बार नोटिफिकेशन दिखाएगा कि फोन में हो रहा है कि नहीं हो रहा। और नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे इसके अंदर क्या क्या दे रखा है। स्टोर योर डिवाइस, हम इसमें अपने मोबाइल पे कोई मैसेज भी भेज सकते हैं या किसी को मिल गया तो मैसेज देख के हमें वापसी कर दे या कुछ भी मैसेज टाइप करके हम भेज सकते हैं और अपने डाटा को इरेज भी कर सकते हैं। इरेज करने के लिए हम डबल क्लिक करेंगे इरेज डिवाइस पे। इरेज डिवाइस मैं इस पर अपना अरेज नहीं करूँगा डाटा को बिल्कुल भी, मैं आपको सिर्फ और लास्ट यहाँ तक ही करके दिखाऊंगा। इसके बाद आप पासवर्ड डालोगे तो वहाँ तक ही जा पाओगे।
अपना अगर इरेज करना चाहते हो तो यहाँ पासवर्ड डालिए और आपका डाटा इरेज हो जाएगा जहाँ पे भी है। इन सब चीज़ों करने के लिए हमारे पास मोबाइल में आपका जीमेल अकाउंट ओपन होना ज़रूरी है, इसके बिना हम अपने किसी भी मोबाइल को ट्रैक नहीं कर सकते। और लोकेशन का ऑन होना ज़रूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स।